जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, पीएम विश्वकर्मा, जिससे हमारे देश के करोड़ों शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के हाथ और भी मजबूत होंगे। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय चिन्हित किए गए। पीएम विश्वकर्मा, अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा मित्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे। शिल्पकार एवं कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र यानी CSC द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसान और बिल्कुल मुफ्त है। पहले चरण में आपके आवेदन का गांव की पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा वेटिंग के लिए जिला कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी होंगे। इसके बाद हर प्रदेश में बनी स्क्रीनिंग समिति, जिसमें MSME तथा स्थानीय बैंक के अधिकारी होंगे, वेटेड आवेदनों का अनुमोदन करेगी। आवेदन के वेरिफिकेशन, वेटिंग और अनुमोदन पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विश्वकर्मा मित्रों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। सफल पंजीकरण पर विश्वकर्मा मित्रों को एक सर्टिफिकेट तथा ID कार्ड दिया जाएगा, जो विश्वकर्मा मित्रों को पहचान एवं उचित सम्मान दिलाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in या अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। दशकों तक नहीं गया जिन पर किसी का ध्यान, अब हर उस वंचित का होगा उत्थान।